एमआईएम का काम करे तो वोच काम करना ऐसे गया है लिक्विडलेस है। कौम इनुस कौम है क्या? मैं मुसलमान नहीं है क्या? मैं मुसलमान नहीं है। इनु बाहर भी नहीं आते रहेंगे, मैं बाहर तो निकलता। जब मोर्चा काटने में और सब में बड़ा हाथ मेरा था। फारूक भाई अल्हम्दुलिल्लाह बाद में निवान था वो ठहरे थे। क्या उनको जो बोले वच करना पड़ता, दूसरा क्या भी नहीं। इनको मैं तो बोल रहा समाज से, इनका जब इनकी वैल्यू नहीं है तो इन्हें समाज में बोलना नहीं। और तुम्हारा सुनने का सरकार नहीं रहा अभी। तुम सबको ले को तुम्हारे पास जो काम करने आए तुम उसको भी काम बताते। हाँ तुम लोगों की जमीन हड़पेंगे, तुम तीन तीन मर्डर करेंगे। हाँ और कौम के नाम पर जेल में बैठ को पैसे खाएंगे, हूँ घर को हाथा पटकेंगे। फिर ये कौम के लोगों को समझना, तुम अच्छे लोगों को तुम अच्छे लोगों के पास जा रहे हैं क्या नहीं जा रहे? एक गुनेगार के साथ तुम स्टेट शेयर कर रहे, जबकि छोटा मुकुरी तुमको गुनेगार लगता। उन्हें तो तीन तीन मर्डर जान लिया, ये जान लेना है क्या इस्लाम में? तो फिर से जान लिया ना, तीन जान लिया और पूरे कौम को गुमराह कर रहा उन्हें। तो तुम भैया जी, फारूक भैया जी, तुम्हारे पास 5 साल थे, तुम एक कार्यकर्ते को नहीं संभाले, काम क्या करेंगे तुम? कारखाना ले ले बोलते थे कहा। एक मिनट लातू कर को बोले, अभी आया नहीं, अभी बहुत दूर है। ये सब मुकरी साल रहते बोले बात करने। तो इस बार अचानक मैडम मास्टर का काम करे, एमआईएम का काम करे तो वोच काम करना ऐसे क्या है लिक्विडलेस है? नहीं नहीं पिछले बार तुम आओ, पिछले बार करे, हर साल हर टाइम क्या वैसा वक्त रहता है क्या? दिन बदलता, रात बदलता, हालात बदलते, वैसा वक्त बदलता। लोगों को आह्वान करे थे फारूक शांति को, नहीं बोले थे तो उन्होंने हमको नहीं समझे, तो उनको समझ को क्या करूं फिर मैं? एक ऐसी चर्चा है कि तुम्हारे में और फारूक शादी में कुछ तो भी शादी वादा वाद भी, इसलिए वो अच्छे आदमी है, मैं गुंडा आदमी, उसके साथ कभी झगड़ा करूं मैं? वो अच्छे आदमी है, मैं गुंडा आदमी है, उसके अस्तर ऐसे लोगों को संभाल रहे क्या? मेरे साथ अन्याय जब वो टाइम पर कहां गए थे? अब ये तुम काम कर रहे, कई को नहीं कर रहे, अगर तुम पूछ रहे ना, मैं पहले जब गया तो कई गया, तुम पूछे क्या मुझे? जब हाथ के पैसे दाल को खर्चा करे ना, मैं का काम कर काम कर रहे और करेंगे इंशाल्लाह, मुकद्दर में जो होने का वो भी ना। पर मैं जा भी गया ईमानदारी से काम करया, मैं अपन मेरे खून में नहीं है धोखा देना। मैं तुम्हारे हाथ में था, तुम नहीं रह गए। अब मुझे मैं जहाँ जाना था गया, और खास कर मेरे नौजवान जो तरुण मेरे ऊपर जो भरोसा रखते है, मैं उनके वास्ते कहाँ भी जा को कैसा भी काम करने को वास्ते तैयार है। मेरे ऊपर जो भरोसा रखते हो, मैं भरोसा कायम रखूंगा। मास्टर को समझ में आया तो मेरा फ्यूचर बनेंगे, अगर नहीं भी समझ में आया तो मैं उनके साथ ही रहूंगा। आपने चैनल को माध्यम से एक बाइट वायरल हो रही है कि आपके पिछले मर्तबा एमआईएम में काम करने के से आपका ऊपर जुटे केसेस भी और आपके चारों भाई उनका तड़ी पार हुआ। यस बिल्कुल सही बात है। कैसे क्या वजह? तो इन्हों हर काम कर को हर वो परेशानी लोग थे, बोलो इसके पीछे की ऐसी कौन सी वजह थी कि वो पार्टी का काम आपने करने के बाद? अरे बड़े बड़े अधिकारियों को लगता है कि वो जातिवाद पार्टी है, और हम भी अच्छी पार्टी है बोलकर जुड़े। अब ऐसा हमारे साथ भी आज्ञा हमको नहीं मालूम था ना। कुछ दिन पहले आपने प्रहार जनशक्ति के एक स्टेज पे जी आपकी बाइट किया था, आपने प्रोग्राम में ऐसा आह्वान किया था कि आप पत्रकार साहब आप गौर से सुने नहीं शायद वो बात। मैं वहां पे पहले ही बोला मैं कौन से पक्ष का नहीं हूँ, जहाँ मेरे लोग रहेंगे, जहाँ मुझे मानते हैं, और जो मैं जिसको मानता हूँ उनके वास्ते कहाँ भी जाकर काम करने के लिए तैयार हूँ, ये बात बोला था। अभी इंडिविजुअल या मैं पूरे पक्ष में परेश को काम कर रहा था, और क्या मतलब आपके भाई प्रहार जनशक्ति देखो सबका अपना अपना हक है, या हो सकता मेरा राजकारण रहेगा मेरे भाई को वहां भेज को मास्टर को जीता को लाने का रहेगा, तो नहीं तो हो सकता प्रहार भी होंगी मेरे पास। एम एस इधर आया तो अभी सो भेंगे इंशाल्लाह, बचे कुछ ऐसे भी जितने भी है ना सब ला दूं अभी इधर। शहर मध्य से 11 जन इच्छुक है, तो अभी बाबा मिस्त्री का नाम सामने आने के बाद कौन 11 है? ये कौम में इनका क्या काम है? अभी तक क्या करे इन्हों? क्या कि स्कूल खोले, क्या मदरसा खोले, क्या करे? खाली फंक्शन हॉला काटे, अपने रिश्तेदारों को गौर गरीब गली के लोगों को दिए, बाकी के सबके पास 20,000 25,000। अब जाओ हथुरे हॉल कितने को देते? 20,000 21,000 भाड़ा है।
ऐसा हमारा काम कभी रहेगा तो हम फ्री में देंगे। अभी हमारे मास्टर का भी वहाँ हॉल है अशफाकुल्ला खान, वहाँ गोर गरीबों को फ्री देते। 11 जनों कौम के अस्तर एक हुए बोल को बोले। हाँ, कौम इनुस कौम है क्या? मैं मुसलमान नहीं है, इनु बाहर भी नहीं आते रहेंगे। मैं बाहर तो निकलता जब वो सब में पहला जब हुआ था, वो लेडीज क्या तो भी बोली थी कौम के बारे में, जब जिला परिषद में सब में बड़ा मोर्चा काटने में और सब में बड़ा हाथ मेरा था। हाँ, फारूक भाई अल्हम्दुलिल्लाह बाद में निवान था वो ठहरे थे। क्या कहना चाहते क्या उनको जो बोले वो करना पड़ता, दूसरा क्या भी नहीं। इनको मैं तो बोल रहा समाज से, इनका जब इनकी वैल्यू नहीं है तो इन्हें समाज में बोलना नहीं। और तुम्हारा सुनने का सरकार नहीं रहा अभी, तुम सबको ले को तुम्हारे पास जो काम करने आए तुम उसको भी काम बताते। हाँ, तुम लोगों की जमीन हड़पेंगे, तुम तीन तीन मर्डर करेंगे। हाँ, और कौम के नाम पर जेल में बैठ को पैसे खाएंगे, हूँ घर को हाथा पटकेंगे। फिर ये कौम के लोगों को समझना, तुम अच्छे लोगों के पास जा रहे हैं क्या नहीं जा रहे? एक गुनेगार के साथ तुम स्टेट शेयर कर रहे, जबकि छोटा मुकुरी तुमको गुनेगार लगता, उन्हें तो तीन तीन मर्डर जान लिया। ये जान लेना है क्या इस्लाम में? टॉपिक से जान लिया ना, तीन जान लिया और पूरे कौम को गुमराह कर रहा हूं। क्या कहना चाहते कौम? क्या अभी नहीं है 11 जन का, क्या भी सुनना नहीं, इनकी क्या भी वैल्यू नहीं रही। अब वैसे में शौकत पठान बोलता मैं मेरी औरत को अपक्ष ठहरा करता, फिर इन्हों बोलते MD से पहले नहीं बोले, फिर बाद में इन्हों बोलते हम 11 नहीं दिए, बाबा नहीं मिले। अरे लेन दे नको लेन दे, अभी सब में बड़ा सरप्राइज तुमको बाकी है। हो सकता है लाइफ में अगर मास्टर को छुट्टी तो बैठो, पूरे 11-12 कितने ही बम मारते हैं। आवाम को क्या कहना चाहेंगे? क्या नहीं, अच्छा आदमी है, लोगों को घर दिए, सो है जो बेघर है उनको घर दिए, और यहाँ पर जो घर देने के बाद में जो महिला के ऊपर कर्जा है 600 करोड़ जो लोन है उसको फिरने का काम करेंगे मास्टर चुन कर आने के बाद, और मेरे जरिए नौजवान 2500 से 3000 लोगों को काम देने का वादा करे सो मास्टर। भाजपा सरकार 1500 रुपए दे रही महिला को, कौन सा तुम्हारे को क्या बोलकर वोट डाली? फिर हम मैंने 2500 नौजवानों को काम को लगा रहा नहीं मास्टर, अभी ये बोले कि हम मैं निवड़ पाने के बाद तो सब आने के बाद ही बोल रहे, तो क्या उन्होंने पहला करे? अब चार काम है उन्होंने बोले, पगार ये वो सब इनके खुद इंडिविजुअल कर सकते थे। तो तुम भैया जी फारूक भैया जी तुम हमारे पास 5 साल थे, तुम एक कार्य करते को नहीं संभाले, काम क्या करेंगे तुम? कारखाना ले ले बोलते थे का? एक मिनट लातू कर को बोले, अभी आया नहीं, अभी बहुत दूर है, ये सब मुकरी साल रहते बोले बात करने है।